जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ संतान रेखा विचार के विषय में। जी हाँ, बुद्ध पर्वत पर जो संतान की रेखाएं होती हैं, इनके विषय में मैं आज आपके साथ विचार करने वाला हूँ। हम तीन विषयों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम संतान रेखा विचार, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पुत्र या पुत्री संतान रेखा कौन सी होती है, उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे जो संतान होगी वह रोगी होगी या निरोगी होगी। इन तीनों विषयों पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आज हम विस्तार से इन तीनों विषयों को समझेंगे, परंतु उससे पहले आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले और भी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फटाफट आप तक पहुंच सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने एक हाथ का निर्माण किया है और उसी हाथ पर जो सबसे छोटी उंगली है उसी के नीचे होता है बुद्ध पर्वत। ये जो आपको दिख रहा है यह बुद्ध पर्वत है और इसी बुद्ध पर्वत पर आड़ी वाली जो होती हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आड़ी रेखाएं जो होती हैं वो विवाह रेखाएं या प्रेम प्रसंग रेखाएं होती हैं। लेकिन बुद्ध पर्वत के मूल में जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जो विवाह रेखा से ऊर्ध्व ऊपर की तरफ जाती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि यह रेखाएं बुद्ध पर्वत के निचले हिस्से तक भी देखने को मिलती हैं। अगर यह रेखाएं निचले हिस्से पर देखने को मिलती हैं बुद्ध पर्वत के, तो ऐसा समझना चाहिए कि शीघ्र ही उस जातक को संतान का लाभ होगा। यदि यह बुद्ध पर्वत के और बुद्ध उंगली के बिल्कुल मूल में देखने को मिलती हैं, तो संभवतः होता है कि ऐसे जातक को 25 से 30 वर्ष की अवस्था के बाद संतान प्राप्ति का योग रहता है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम संतान रेखा के विचार के विषय में। संतान की जो रेखाएं होती हैं यह बुद्ध पर्वत के नीचे पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह रेखाएं जितनी साफ स्वच्छ और जितनी सीधी होंगी, संतान भी उतनी ही हष्ट पुष्ट होगी और उतनी ही शीघ्रता से हमें संतान का लाभ हो जाता है। कभी कभी यह रेखाएं यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर स्पष्ट ना होकर शुक्र पर्वत पर भी दिखाई पड़ती हैं, परंतु आज हम यहाँ बुद्ध पर्वत पर संतान रेखा के विषय में विचार कर रहे हैं तो इसी पर हम बात करेंगे। तो यह जो खड़ी रेखाएं हैं यह संतान रेखा होती हैं और इनसे संतान के विषय में हम गणना करते हैं कैसी संतान रहेगी और संतान का सुख हमें प्राप्त होगा नहीं होगा या नहीं होगा, कितनी संतान होंगी। अब बात करते हैं हम आगे पुत्र या पुत्री संतान। जी, हमें पुत्र संतान होगी या पुत्री संतान होगी, तो इसके विषय में ग्रंथों में कहा गया है कि अगर रेखाएं मोटी हों और स्पष्ट हों, गहरी हों और लंबी हों, तो वह रेखाएं पुत्र संतान की सूचक मानी गई हैं। जो रेखाएं स्पष्ट हों, रक्त वर्ण की हों और लाल हों और बड़ी हो और गहरी हो, तो वह रेखा जो है पुत्र की सूचक मानी गई है, वह पुत्र को देने वाली होती है। अब जो रेखाएं कमजोर हों और कुछ आड़ी टेढ़ी हों, एकदम सीधी ना होकर कुछ आड़ी टेढ़ी अगर हों, तो वह रेखाएं कन्या की सूचक मानी गई हैं। अगर मजबूत रेखा है, हष्ट पुष्ट है रेखा और गहरी है और एकदम स्वच्छ है, तो वह पुत्र संतान देने वाली है। यदि रेखा कमजोर है, कम गहरी है और हल्की सी दिखाई दे रही है और टेढ़ी मेढ़ी है, अगर किसी जगह पर टेढ़ी हो गई है, घूम गई है, तो वह जो रेखाएं हैं वह कन्या की सूचक मानी गई हैं। अब हम आगे बात करेंगे रोगी संतान के विषय में। जो रेखाएं यहाँ पर पाई जाती हैं यह रेखाएं संतान के गर्भ में रहते हुए सूचना देती हैं कि होने वाली संतान रोगी होगी या निरोगी होगी। इस विषय में हस्तरेखा शास्त्र में विस्तार से बताया गया है, परंतु मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। हस्तरेखा शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि यदि बुद्ध पर्वत पर संतान रेखा के ऊपर यव का चिन्ह हो या फिर रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हों, टूट रही हों,
या रेखा ज्यादा अत्यधिक टेढ़ी हो और रेखाएं टूट रही हो या कई अन्य रेखाएं उन रेखाओं को काट रही हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि गर्भस्थ संतान 100% रोगी रहने वाली है। वह जन्म से किसी ना किसी रोग को लेकर उत्पन्न होगी। तो हमें गर्भस्थ संतान के समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो संतान की रेखाएं हैं उनमें कितना परिवर्तन हुआ है, कितना बदलाव हुआ है और वह रेखाएं किस दिशा में हमें निर्देश कर रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। हम इस पर बात करेंगे, जो संतान रेखा होती है वह स्त्री में अधिक दिखती है या पुरुषों में अधिक दिखती है। अगर हम सामुद्रिक शास्त्र की माने तो सामुद्रिक शास्त्र यह कहता है कि संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वह पुरुष और स्त्री दोनों की संयोग से होता है, लेकिन स्त्री जो है उस संतान को धारण करके उसे जन्म देती है। इसीलिए संतान की रेखा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। अगर हमें संतान के विषय में विशेष विचार करना है कि संतान कब होगी और कितने विलंब से होगी, पुत्र संतान होगी या पुत्री संतान होगी, तो हमें पुरुष के हाथ के साथ साथ स्त्री का हाथ भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए। अगर स्त्री के हाथ में संतान रेखा का अभाव है तो निश्चित रूप से संतान से संबंधित दिक्कत होगी। यदि बुध पर्वत पर पितृ का दोष बन रहा है, यदि यहाँ पर राहु का प्रभाव हो रहा है और संतान रेखा बार बार अन्य रेखाओं के द्वारा काटी जा रही है, तो यह समझना चाहिए कि संतान होने में विलंब होगा या संतान नहीं होगी या संतान जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें विचार करके और उससे संबंधित उपचार करके ही गर्भाधान से संबंधित निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।